दोस्तों आज की कहानी है बहू तुम मेरे अलमारी की चाबियों का क्या करोगी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे साबी मिला क्या, मुझे पता है कहीं रख कर भूल गई होगी। एक काम करना, अब से सारी साबियां अपने पल्लू में बांध कर रखना। और हंसने लगे पति महाशय, उनकी व्यंग्य हंसी से गुस्सा तो बहुत आया लेकिन कुछ याद आया जिससे चेहरे पर मुस्कुराहट सा गई। सुबह से साबी नहीं मिलने की टेंशन से दूर, जब मेरे चेहरे पर हंसी देखी तो पति देव की जिज्ञासा बढ़ गई। क्या बात है भाई, जानते हो मेरी एक ताई जी छोटी से गोरा रंग, हमेशा बड़े लाल बॉर्डर की सफेद साड़ी आठ पोरो स्टाइल में पहनती, और उनके घर के अलमारी बक्सा और उनके रूम स्टोर रूम सब की अनगिनत साबियां उनके पल्लू पर गांठ बांधे कंधे पर झूलती थी। महावार लगे पैरों और माथे की लाल बिंदियां ऐसे समकते थे कि उसके आगे भाभियों के क्रीम पाउडर भी फीके पड़ जाते थे। ताऊ जी ताई जी को बहुत मानते थे, कहीं भी जाते तो साबी मांगने के बहाने खुद भी पहुंच जाते। दोनों का बिस्तर एक ही कमरे में लगा था, ताऊ जी पान बनाते और ताई जी को बड़े प्यार से मीठा पान खिलाते। ताई जी के गोरे चेहरे पर लाल होठ सुंदरता और बढ़ा देता था। ताई जी के साबियों की आवाज से बहुएं सतर्क हो जाती थी कि सास आ रही है। बहुत ही दब दबा सा था बहुओं पर, वो भी क्यों ना, घर के मुखिया ससुर जी खुद सास के सामने चुप रहते थे। चार बेटों के और उनके बच्चों को लेकर बड़ा सुखी जीवन जी रही थी। ताई जी का साबियों से यूं प्रेम की नहाने भी जाती तो साबियां घर में नहीं रखती। साड़ी पहनने से पहले पल्लू में साबियों को गांठ बांधती। बच्चे अक्सर कहते, न जाने दादी के अलमारी और इन बक्से में क्या है। बहुएं तो मन ही मन सोचती, माँ जी के जरूर बहुत सारे गहने होंगे इसीलिए साबी किसी को नहीं देती, ससुर जी को भी नहीं। बेटे माँ बाबू जी को बहुत इज्जत करते थे इसलिए बहुओं का साहस कभी नहीं हुआ कि अपने पतियों से पूछे। अभी कह देंगे तुम लोग को माँ के गहनों का लालच है। ताई जी और ताऊ जी दोनों का एक दूसरे से अथाह प्रेम था लेकिन ताई जी आजकल बीमार रहने लगी थी, धीरे धीरे स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और एक दिन बिस्तर पकड़ ली। लेकिन आज भी ताई जी की साबियों का सल्ला पल्लू में ही बंदा था। काफी दिनों तक बीमार रहने पर ताई जी उठ नहीं पाती, जैसे ही उनसे कोई साबी मांगता उनके कपड़े निकालने के लिए तो अजीब से देखती। फिर जब तक न अलमारी बंद होकर साबी हाथ में न आए उनकी संतुष्टि नहीं होती। बेटे बहू पोते पोतियों ने खूब सेवा की लेकिन उनको बसा नहीं पाए। एक दिन वह
सब को छोड़कर चली गई। कुछ महीनों बाद ताई और ताऊ जी के रूम का रेनोवेशन होना था, तो अलमीरा बक्से सब कुछ निकले गए। ताई जी के बेटे ने अलमीरा की पॉलिश की बात की और बक्से को कलर करने की, तो बहुए खुश हो गई। आखिर आज पता चलेगा सासू माँ का क्या है, जो इतने जतन से साबियों को अपने संग झूला के रखती थी। जब अलमीरा खोला गया तो सिर्फ उसमें कुछ कपड़े थे, साड़ियाँ और ताऊजी के कुछ कपड़े, शादी को एल्बम एक डब्बा जिसमें कुछ पुराने सिल्वर पैसे जो अब सलते भी नहीं। ताई जी के शादी का जोड़ा और ताऊ जी के कुछ खत जो ताई जी को ताऊ जी अक्सर लिखते थे जब वह मायके में रहती थी। बहुओं का उत्साह थोड़ा कम हो गया, अब बक्से को खोलने की बारी थी। उसमें कुछ पुराने थाली गिलास थे जिसमें बच्चों के नाम खुदवाए हुए थे। ये अन्नप्राशन के बर्तन थे, कुछ छोटे शर्ट पैंट शायद बेटों के बचपन के। बहुएं और बच्चे आश्चर्य से सब कुछ टटोल रहे थे कि ताई जी इन सब चीजों के कारण साबियां इतने संभाल कर रखती थी। बेटे कपड़ों और बर्तनों को देखकर अपना बचपन याद कर रहे थे और ताऊ जी सेठियों को पढ़कर पुराने पलों को याद कर रहे थे। ताई जी ने कभी गहनों और पैसे का मोह नहीं किया था, अपना सर्वस्व निसावर करके ताऊ जी की हर मुश्किल घड़ी में साथ देकर बच्चों को पढ़ाया और काबिल इंसान बनाया था। लेकिन एक औरत की तरह उनके मन में गृह स्वामिनी बनने की लालसा तो थी ही, इसलिए अपने बच्चे उससे सौगातों में भी साबी लगाकर उन साबियों को अपने पास रखती जिससे उनके दिल को सुकून पहुंचता था कि उनके पास भी कुछ बेशकीमती चीजें हैं और घर के लोग भी इस उत्सुकता में रहते। ताई जी उन साबियों के सल्ले के दम पर भी घर पर राज करती थी। तुम्हारी ताई जी तो बड़ी स्मार्ट थी, अब तुम्हारा क्या होगा? अगर साबियां नहीं मिली तो देखते हैं खोज कर। जैसे ही बिस्तर के चादर को ठीक करने लगी, साबियां बिस्तर के नीचे थी। लो मिल गई, तुम भी बड़ी अजीब हो, कभी गद्दे के नीचे तो कभी फ्रिज के अंदर और ऊपर तो और मसाले की डिब्बिया में रख देती हो। सबसे अच्छा है अपनी ताई जी वाला आइडिया अपना लो, पल्लू में बांध लो साबियों का सल्ला। पति देव की बातों को सुनकर सहरे पर हंसी आ गई। दोस्तों पहले के दिनों में गृह स्वामिनी के हाथों में ही घर की साबियां होती थी, जिन्हें संभालने का ढंग भी बड़ा अद्भुत था। इन साबियों के सल्ले को हमें अपने पास रखकर महिलाएं अपने अधिकार और कर्तव्य का अनुभव करती थी। साय उनके पास धन संपत्ति हो साय न हो, लेकिन साबियों को अपने पास रखकर उन्हें सुकून आता था। तो
दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।